हाय, कैसे हो माय डियर और लवली फैंस। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो कैसे आज के जो वीडियो है यहाँ पर शिबा इनू कॉइन के ऊपर होने वाला है। शिबा इनू कॉइन को लेकर आज के दिन में काफ़ी बड़े बड़े अपडेट्स निकल के आए हैं और कहीं ना कहीं शिबा इनू कॉइन का होल्डर्स के मन में ये सवाल है कि यहाँ पर जो मार्केट क्रैश हुआ सीजेड बाइनेंस के कारण, एफटीएक्स के कारण, उसके बीच देखा जाए तो शिबा इनू कॉइन का जो प्राइस है कुछ ज़्यादा ही जो क्रैश हुआ अदर्स कॉइन्स के मुकाबले में। तो शिबा इनू होल्डर्स का मन में यही ख्याल है कि कब तक शिबा इनू कॉइन के अंदर फिर से अच्छा खासा ग्रोथ देखने के लिए मिलेंगे, कब तक शिबा इनू कॉइन फिर से 1-0 किल करेगा। तो उस पर हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो वीडियो होगा आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। लेकिन कैसे, इससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिए। उसी के साथ ही साथ जैसे यहाँ पर हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, इसको आपको ज्वाइन करना और भी ज़्यादा मस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कोई भी अपडेट आ जाता है, कोई भी हिंट आ जाता है, ऑन द स्पॉट सबसे पहले हमारा टेलीग्राम चैनल पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाके क्लिक करके आप बड़े आसानी से हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अब इस समय के बीच में क्रिप्टो मार्केट के अंदर नजर डाल के देखें तो 67.96 ट्रिलियन पर जो मार्केट का कैप हमको दिखने के लिए मिल रहा है, 0.88% मार्केट यहां पर डंप जाते हुए नजर आ रहा है। बिटकॉइन की बात करें 13,54,000 पर देखने के लिए मिल रहा है। इथेरियम का जो प्राइस है थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा क्रैश होती हुआ नजर आ रहा है, 3.23% यहाँ पर 24 आवर्स के बीच में डंप चला गया। प्राइस की बात करें 99,000 पर जो इथेरियम का जो प्राइस हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर कैसे हम यहाँ पर शिबा इनू कॉइन की बात करते हैं तो शिबा इनू कॉइन का जो प्राइस है करंटली यहाँ पर 1.13% पम्प करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन जो क्रिप्टो मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा डाउन की तरफ जा रहा है। रैंक की बात करें, रैंक यहाँ पर 14 पर है। कुछ देर पहले यहाँ पर रैंक 13 पर हमको देखने के लिए मिला था। ट्रेडिंग वॉल्यूम के अंदर नजर डाल के देखें तो 26.08% का जो ग्रोथ है हमको ट्रेडिंग वॉल्यूम के अंदर देखने के लिए मिला, यानी कि अभी इस समय के बीच में जो लोग हैं शिबा इनू कॉइन के अंदर ट्रेड ले रहा है। सबसे पहला जो शिबा इनू कॉइन को लेकर जो अपडेट निकल के आया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिबा इनू मेटावर्स ऑन फायर अनवेल्स फास्ट कॉन्सेप्ट आर्ट ऑफ ए न्यू हाफ। तो बस यहाँ पर जो शिबा इनू कॉइन को लेकर जो अपडेट निकल के आया है, जैसे कि काफ़ी दिनों से जो अपडेट निकल के आ रहा था कि जो शिबा इनू जो है वो मेटावर्स के अंदर एंट्री मारेंगे, मेटावर्स के अंदर वो उतरने वाले हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर अपडेट निकल के आया, जैसे यहाँ पर शिबा इनू कॉइन मेटावर्स के अंदर उतरेंगे तो शिबा इनू कॉइन के प्राइस के बीच में हमको फायर देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि जो प्राइस के अंदर हमको अच्छा खासा जो ग्रोथ है शिबा इनू कॉइन के अंदर देखने के लिए मिल सकता है, जैसे यहाँ पर शिबा इनू कॉइन मेटावर्स के अंदर एंट्री मारेंगे। लेकिन कब तक यहाँ पर एंट्री होगा उसको लेकर कोई जो ऑफिशियल डेट है अभी तक सामने निकल के नहीं आया है। और गई शिबा इनू कॉइन को लेकर और एक पॉजिटिव न्यूज हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। ओनली 1 ट्रांजेक्शन इन 24 आवर्स बर्न 21 मिलियन शिबा इनू। तो बस यहाँ पर अपडेट की बात करें तो यहाँ पर 1 ट्रांजेक्शन के बीच में 21 मिलियन शिप टोकन का यहाँ पर बर्न करवाया गया है, यानी कि जो 24 आवर्स के बीच में 21 मिलियन शिप टोकन का यहाँ पर बर्न हुआ। और कैसे ये जो ट्रांजेक्शन है एक डेड वॉलेट के बीच में ट्रांजेक्शन किया गया, लेकिन कि काफ़ी बड़ा तो बर्न हमको देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन ये जो भी है एक अच्छा बर्निंग यहाँ पर हुआ है और शिबा इनू कॉइन का जो रेगुलर है बर्निंग होता ही रहता है। तो वैसे यहाँ पर जो शिबा इनू कॉइन की बात करें तो शिबा इनू कॉइन को आपको कुछ दिन और होल्ड करके रखना है, और जैसे मार्केट पॉजिटिव हो जाता है उसकी बीच बीच जो शिबा इनू कॉइन के अंदर भी हमको अच्छा खासा ग्रोथ देखने के लिए मिल सकता है और उसी टाइम पर 1-0 किल होने का हम उम्मीद कर सकते हैं। तो वैसे आज की इस वीडियो के अंदर ये अपडेट था शिबा इनू कॉइन से रिलेटेड। आई होप कि आपका मन में जो भी डाउट था सभी डाउट क्लियर हो चुके होंगे और वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी के लिए इतना ही था, मिलती है किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू माय डियर फैमिली, ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखना।